सी एकेडमी। तो ये आप देखिपे ये ओडिशा पुलिस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ऑफिशियल होम पेज तो ये जो नोटिफिकेशन टा आ तो ये जो नोटिफिकेशन टा आ डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एएसआई पुलिस कम्युनिकेशन। तो ये एडवर्टाइजमेंट टा रिलीज होती जोटा कि 11 तारीख दिन रिलीज होती तो तार 13 तारीख रु यार रिक्रुटमेंट ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट अप्लाई करिवारो तो ता विषय आम डिटेल्स नोटिफिकेशन टा देखी देबा कौन कौन क्वालिफिकेशन रहुची आउ कौन कौन प्रोसेस रहुची यार एग्जाम रे जोंटी कि हमरो भारती 144 वैकेंसी रहिची डिटेल एडवर्टाइजमेंट रो जों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट रो। तो फ्रेंड्स एटा होची सेही नोटिफिकेशन जोंटी कि आम देखि परबा ओडिशा पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स कटक रु एटा नोटिफिकेशन टा होईची। डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 डिसेंबर 2021 रहीची जेटा कि सकाळ 9 एम रु स्टार्ट हो आउ लास्ट डेट एंड टाइमिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जोंडा कि होची हमरो 2 जनवरी 2022 पर्यंत एटा ऑनलाइन एप्लीकेशन रहइबो। आउ टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट यार जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टा हबो तो सेटा हबो प्रपोज टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द फेब्रुवारी रे हम बोले यहाँ आशा करा तेणु आम मेन फोकस रखा कि यार जो ऑनलाइन स्टार्ट 13 तारीख रु स्टार्ट आउ डेट ऑफ जो आमर लास्ट डेट तार रोचा रोचे आम 2 जनवरी 2022 पर्यंत यहाँ रोचे। तो बर्तमान आम देखीद रिक्वायरमेंट डिटेल्स प्रोसेस कौन कौन क्वालिफिकेशन रोचे आउ कौन कौन क्राइटेरिया रोचे। फास्ट आम देखा द एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 144 पोस्ट 144 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन कम्युनिकेशन रे इन ओडिशा पुलिस सिग्नल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट ऑन इनिशियल अपॉइंटी बेसिस। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस थिला तो सेटा तो मैंने समस्त जानी थी कि सेटा बर्तमान इनिशियल अपॉइंटी होई तेणु से इनिशियल अपॉइंटी हिसाब से 144 पोस्ट बर्तमान वैकेंसी अच्छी जोटा कि रिक्वायरमेंट हम ओडिशा पुलिस जो आम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट रे। तो डिटेल्स आम देखेद वैकेंसी बर्तमान जब आम देखेद यहाँ तो वैकेंसी रोची टोटल वैकेंसी रोची देखो 144 वैकेंसी रोची तो तादेरे एससी अच्छी 24 एसटी अच्छी 39 एससीबीसी 0 अच्छी आउ यूआर पाई अच्छी 81 81 से वुमेन के 27 टोटाल देखिए आम 144 सीट रोचे आदेश वुमेन रोचे 48 सीट रोचे। तो डिटेल्स आम देखेद यार कैटेगोरी वाइज सब जहाँ जहाँ भी रोचे। बर्तमान आम देखीद रिजर्वेशन तो है गले तुमको कहली सेठी कि एससी 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 एसटी कि एससीबीसी जहाँ भी थी सब रिजर्वेशन से मोर पोस्ट सब तार कैटेगोरीज करा। तो 3 नंबर आपखिपारे पे स्केल एंड कंडीशन ऑफ सर्विस तो एथिरे रहुची जो आमर इनिशियल अपॉइंटमेंट रे एटा अपॉइंटमेंट निया जिवो आउ कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रे रहुची आउ 15,000 हिसाब से पेमेंट कराई आउ एज रिक्वायरमेंट क्या देखा तुम डिटेल्स यार देखिपर स्क्रीनशॉट नहीं कि डायरेक्ट ऑफिशियल साइट को जाकि देखिपर। तो एज जो रोचे एज रे रोचे आमर नॉट लेस देन 21 ईयर 21 वर्ष रु कम हो नथिबो एंड नॉट बी मोर देन 25 ईयर 25 वर्ष रु अधिक हो नथिबो एज ऑन 1/1/2021 मैंने 1 जनवरी 2021 पर्यंत से 25 वर्ष रु अधिक हो नथिबो बा 21 वर्ष रु कम हो नथिबो। आउ बाकी रोचे जो अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट रोचे नंबर बी आम देखीद अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट रोचे 5 ईयर फॉर एससी एसटी एससीबीसी एंड वुमेन कैंडिडेट 5 वर्ष रोचे ये जो एससी एसटी एससीबीसी वुमेन कैबिनेट मन को 5 वर्ष आम एज रिलैक्सेशन लिमिट रोचे। बाकी एक्सर्विसमैन को देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रोचे देखो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और एलाइड सब्जेक्ट और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जेटा में बीसीए कहे फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ताने और अच्छे माने आम सब देखा कि जो आम कैटेगोरी गुड़ा देखिले कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होता है इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनफर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी
और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यह सब तुम देखी पार तुम जो क्राइटेरिया अनुसार तुम से फिल फिलअप कर फर्म फिलअप बेले। नेक्स्ट आम एट देखीद कि जनरल क्राइटेरिया जोटा कि थी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया तुम देखी पार देन बी देख मस्ट बी ए गुड मॉरल कैरेक्टर ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस एटा तुम डिटेल्स देखेदेव एटा हूँ जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब फर्म रे भी थाए। नेक्स्ट आम देखा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रे जहाँ जहाँ सर्टिफिकेट तुम दे तार सब डिटेल्स वेरिफिकेशन रे दरकार हो। बाकी रोचे गोटे एग्जाम इंपोर्टेंट रोचे जो मानकर एनसीसी रोचे ए जी पॉइंट आम देखा फॉर क्लेम दि वेटेज मार्क ऑन एनसीसी दि एप्लिकेंट शैल सबमिट एनसीसी ए और एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट रेफर टू दि 13 ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये तुम एनसीसी जब मानक सर्टिफिकेट थोर किसी एग्रेस मार्क रोचे वेटेज मार्क रोचे अप्लाई करेंगे। बाकी नॉर्मल एज यूजुअल सब रोचे बर्तमान आम आठ देखीद एग्जामिनेशन फी कौन रोचे एग्जामिनेशन फी रोचे टोटल रोचे ऑल एप्लिकेंट अदर देन एससी एंड एसटी कैटेगरी हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑफ रुपीज 335। तो एससी और एसटी पिला मानकु छाड़ी देले तो समस्त को 335 रुपीज रो पेमेंट करिया पई पड़िबो। नेक्स्ट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मु कहली कि जोंटा कि 2 जनवरी 2022 पर्यंत लास्ट डेट रहउची। आउ हाउ टू अप्लाई एटा करिवो एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली ऑन एप्लीकेशन पोर्टल एज पर प्रोसीडियर एक्सप्लेन्ड इन एनेक्सर ए। तो तुम्हें टोटाल एटा ऑनलाइन एप्लीकेशन हो किसी ऑफलाइन और एप्लीकेशन नहीं। तो 11 रे हमें देखिबा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन केमती रहउछि। तो एटा एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहउछि देखिबा हमें देखो कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट टेस्ट रोचे सीबीआरटी। तो जो थे 300 मार्क्स एग्जाम होटा कि पेपर वन रोचे पेपर टू रोचे और पेपर थ्री रोचे। पेपर वन भी 100 मार्क रोचे जोटा कि 90 मिनिट्स पेपर टू भी 100 मार्क्स 90 मिनिट्स और पेपर थ्री भी 100 मार्क्स 90 मिनिट्स रोचे। पेपर वन रोचे आम जनरल इंग्लीश एंड ओडिया लांगुएज देन पेपर टू रे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टेस्ट जोटा कि 100 मार्क्स और कंप्यूटर टेस्ट रोचे 100 मार्क्स। तो यहाँ हूँ टाइप ऑफ टेस्ट हमें देखा क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ एमसीक्यू टाइप इच करेक्ट आंसर विल बी कैरी 1 मार्क देयर विल बी नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर द डिडक्टेड इफ एनी क्वेश्चन इज लेफ्ट अनअटेम्प्टेड। तो जो मैंने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन गुड़ा से कौन से किसी मार्क डिडक्ट करना। सेकेंड स्टेज रोचे आम कंप्यूटर स्किल जेटा आम कहे प्राक्टिकाल टेस्ट 50 मार्क्स रोटा प्राक्टिकाल बोली कौच आउ एटा क्वालिफाइंग इन नेचर रही दि मिनिमम कट ऑफ इन दि कंप्यूटर स्किल टेस्ट इज 20 मार्क्स। कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम 20 मार्क्स इन दि कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाई इन दि कंप्यूटर स्किल टेस्ट। जो मैंने मिनिमम 20 मार्क्स रखिए 50 रु तो सेने क्वालिफाई हो पारे। नेक्स्ट हूँ आम फिजिकाल एफिशिएंसी रोचे फिजिकाल एफिशिएंसी रे आमर क्वालिफाइंग इन नेचर। तो नेक्स्ट नोट रोचे देयर विल नॉट बी एनी वाइवा वॉइस किसी कौन से वाइवा वॉइस रोनी। बी रे आम देखा दि रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन दि मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट टेस्ट सीबीआरटी रो। तो एगुड़ा सब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रोचे। बाकी नेक्स्ट अच्छे यार सिलेबस तुम यहाँ देखिपार सिलेबस पेपर वन इंग्लिश कौन सिलेबस रोचे ओडिया सिलेबस रोचे पेपर टू भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आउ रीजनिंग भी रोचे तार सिलेबस गुड़ा आम आपको डिटेल्स किसी इलाबोरेट करूनी कारण भिडियोटा बेस लेंथी हो तुम यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं ऑफिशियल वेबसाइट रे देखिपार। पेपर थ्री जो रोज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कंप्यूटर राइट आमर कंप्यूटर टेस्ट रोचे तो कौन कौन सब रोचे सिलेबस ता विषय डिटेल्स। बाकी स्किल टेस्ट भी कौन कौन रोचे तार डिटेल्स रोचे ये तुम मैंने सब देखिपार। देन फिजिकाल एफिशिएंसी रोचे आम रनिंग रोचे जोटा कि 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनिट्स फॉर मेन कैटेगोरीज आ वुमेन पाई मार रोचे 1.6 किलोमीटर इन 12 मिनिट। एटा होचे हमर फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट रहइबो। बाकी एनसीसी जो थिला एनसीसी रोचे एनसीसी ए सर्टिफिकेट पाई 1 मार्क एनसीसी बी पाई 2 मार्क एन एनसीसी सी पाई 3 मार्क्स रोचे। बाकी एडमिट कार्ड जब रिलीज हबो सेटा तुमनकु बाय ईमेल बाय मेसेज द्वारा जन दिजा कहुई। बाकी मेरिट लिस्ट सब डिटेल्स है तार मेरिट लिस्ट जो बाहर
अपॉइंटमेंट रोज अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिग्नल इन ऑर्डर टू व्हिच द नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर इन द सिलेक्टेड लिस्ट नो कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द सिलेक्टेड लिस्ट विदाउट वेरीफाइंग हिज और हर कैरेक्टर और antecedent submission of his or her medical fitness certificate issued by the doctor not below the rank of the subdivisional medical officer a verification of original certificate of his eligibility for the post this will be included certificate of age caste or category and educational qualification etc to eta thila details or notification jonta ki tumane jodi chahibo yar official website ru madhya eta ko download karike dekhi paribo to eta thila amaro jo तो यहाँ थी जो एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट 144/44 ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन कम्युनिकेशन इन ओडिशा थैंक यू।